कैरेक्टर के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जुगल सर मेरे घर में शिफ्ट हो गए, ये सबसे बड़ा प्रिपरेशन था। और हम 2 महीने के लिए बिल्कुल साथ में रहे, एंड क्योंकि इन्होंने जैसे मुझे बताया कि हमें पूरी फिल्म 12x8 के बंकर में शूट करनी है और तो कुछ देख नहीं पाएगा उस 5 दिनों में पूरे 18 घंटे का। सो हमने घर में ही एक कार्डबोर्ड से पंकर टाइप का बनाया 12x8 का, एंड हम उसके अंदर ही बैठ के जो स्क्रिप्ट रीडिंग एंड थोड़ा बहुत वर्कशॉप कंटेंट जो करते थे वो उसके अंदर ही करते थे। साथ ही साथ हमें एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं इनको फॉलो कर पाऊँ, क्योंकि शूट के समय मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं अपने सीन्स उस समय नहीं देख सकता हूँ, जो भी ये बोल रहे हैं मैं इनको देख के नहीं सिर्फ इनकी आवाज़ या जो ये बोल रहे हैं वो सुन समझ सकता हूँ, और ये जो नहीं बोल रहे हैं वो भी मुझे समझना है। तो इसके लिए मुझे साथ रहना इनके बहुत इंपॉर्टेंट था, और कहते हैं ना दो जिस्म एक जान हो जाना, वो बहुत ज़रूरी था मेरे डायरेक्टर के साथ। तो ऐसे प्रिपरेशन हुई, एंड देन शूट के समय का सिचुएशन अलग हो जाती है, तो वहाँ पे भी इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वही जो मैंने भी बोला कि बिन कहे जो बातें समझनी होती हैं वो शूट के समय समझ के हम लोगों ने जो काम किया, तो ऐसे हमारी प्रिपरेशन पूरी हुई। मेरा बात बताइए जी, क्वेश्चन क्या था आपका? वही किरदार के बारे में थोड़ा। ओके, मैं स्वरा सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और विक्रम सिंह मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो ये कैरेक्टर जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ये बिल्कुल भी ओल्ड स्कूल नहीं है और प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने एक सोल्जर से शादी की है तो शी नोज़ कि क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है फ्यूचर में या प्रेजेंट में भी फेस करी रही है या करेगी, तो शी इज़ रेडी फॉर द वर्स्ट। और उनको किड्स भी देखना, अपना बच्चा और इन लॉज हो या जॉब है, अगर सब कुछ मैनेज करना है, और वो पेन या जो भी फेस करे इमोशनल ट्रॉमा वो नहीं शो कर सकती, क्योंकि वो शो करेगी तो सब कुछ घर वाले हो या बच्चे हो सब कुछ। तो जैसे सोल्जर एक जितना स्ट्रांग होता है मेंटली और जैसे वो एक वॉर फाइट कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली उनका भी सेम ही होता है माइंड के अंदर, भले वो फिजिकली फाइट नहीं कर रही होगी बट माइंड के अंदर वो भी एक वॉर फाइट कर रही है। आप दोनों पे एक कोई गाना भी है फिल्म में? एक्चुअली कोई गाना नहीं है सच, बट एक गाना है, मतलब जो आप जैसा बोल रहे हो कि इन दोनों का ऐसा कुछ सा कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं है फिल्म में, सिर्फ एक ही गाना है जो एक क्रूशल सिचुएशन में आती है, रेखा भारद्वाज जी ने गाया है और शक्ति लाजमी जी ने लिखा है लिरिक्स, और कौशल महावीर ने उसको म्यूजिक कंपोज किया है, एंड वो सॉन्ग एक्चुअली इन दोनों के लिए ही है। और इन दोनों जैसे ही जो लाखों जवान और उनका फैमिलीज है उनके लिए है, सो वो आपको फिल्म ज़रूर देखना पड़ेगा देखने के लिए। दर्शकों को क्या कहेंगे किस तरह से इन्होंने फिल्म देखी? जंग चाहे किधर भी हो, कोई भी सही हो कोई भी गलत हो, चाहे सही जीते या गलत हारे, अपनों को खोने का गम जंग जीतने या हारने से तोला नहीं जाता। मैं भी फिल्म के बारे में यही कहूँगा कि एक्चुअली हमारी फिल्म का नाम जो बंकर है, तो अभी तक हम बंकर को बाहर से देखते आए कि बंकर बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखने में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उसके अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। सेम एज लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह एज अ सोल्जर बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है बट उसके दिमाग में उसके अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। तो हमारी फिल्म यही दिखाती है कि एक सोल्जर का मेंटल हेल्थ और जो मेंटल ट्रॉमा वो फेस करता है वो किस तरह से उसको ओवरकम करके अपनी ड्यूटी निभाता है, इस पर अपनी फिल्म जी। ये फिल्म है एक सोल्जर के ऊपर कि वो बंकर में क्या कैसे फाइट कर रहे हैं, बट हम लोग वॉर बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं और प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग पीस को प्रमोट कर रहे हैं कि ये एक एंटी वॉर फिल्म है और हम लोग ये चाहते हैं कि वॉर ना हो। तो ये लोगों को ज़रूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि एक सोल्जर क्या फेस करता है मेंटली। थैंक यू।